SMI 323 डेट 20/8/2018 के बारे में बात करेंगे। SMI 323 में 6FRA 6068 टाइप के टैक्सा मोटर के लिए एक्सेल क्लियरेंस का मेजरमेंट का प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले हम लोग को बेरिंग का एक्सेल क्लियरेंस होता क्या है। बेरिंग का एक्सेल क्लियरेंस टोटल डिस्टेंस जो बेरिंग रिंग के साथ एक्सेल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वही बेरिंग का एक्सेल क्लियरेंस कहलाता है। एक्सेल प्ले लोकेटिंग बेरिंग के एक्सेल मूवमेंट पर डिपेंड करता है। 6FRA 6068 टाइप के ट्रैक्शन मोटर के लिए नॉन ड्राइविंग इंड बेरिंग NJ 320 अलॉन्ग विथ एंगल रिंग, उसी को ही लोकेटिंग बेरिंग कहते हैं हम लोग। ड्राइविंग इंड बेरिंग NU 2236 नॉन लोकेटिंग बेरिंग है जिसका इनर रेसर रोलर पर एक्सेली फ्रीली स्लाइड कर सकता है। एक्सेल क्लियरेंस का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को एक डिजिटल डायल गेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये अपना डिजिटल डायल गेज, इसका कैलिब्रेशन किया हुआ है। इसको हम लोग पिनियन के फेस पे सेट करेंगे, उसके बाद क्रेन से हम लोग आराम से धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे। एक्सेल क्रेन का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो है क्रेन से भी कर सकते हैं या फिर हाइड्रोलिक फिक्सर के साथ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्रेन का यूज़ किया है। क्रेन से जो है बहुत सावधानीपूर्वक धीरे धीरे हम इसको उठाएंगे मोटर को। इस टाइम मोटर को हम लोगों ने 20-30 डिग्री के एंगल पर जो है ड्राइविंग इंड से दो हुक लगा के जो है उसको उठाया है 20-30 डिग्री के एंगल पर। इस टाइम पे मोटर हमारा ड्राइविंग इंड साइड से उठा हुआ है 20-30 डिग्री एंगल पे। इस टाइम पे क्या होगा, रोटर का मूवमेंट नॉन ड्राइविंग इंड साइड में पूरा शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम मोटर को दोबारा जो है धीरे धीरे नीचे हॉरिजॉन्टली प्रेस करेंगे। अब पिनियन के फेस पे हम लोग एक डिजिटल डायल गेज सेट करेंगे। डायल गेज को हम लोगों ने इस प्रकार से सेट कर लिया है। डायल गेज का रेट इसका ही जीरो टचिंग है। इस टाइम पे डायल गेज को हम लोगों ने सेट कर लिया है। डायल गेज को पिनियन के फेस पे पॉइंट कर दिया, इसको इसका बेस इसका यहाँ सेट कर दिया है ड्राइविंग इन कवर पे। मोटर को अब हम लोग धीरे धीरे करते हैं 20-30 डिग्री के एंगल पर इसको उठा दिया है। आइए देखते हैं इसका रीडिंग कितना है। 20 डिग्री एंगल पे रीडिंग इसका 0.090 मतलब कि 90 माइक्रोन आ रहा था। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग इसको मोटर को धीरे से और अब मोटर को हम लोगों ने इसको उठा दिया 30 डिग्री एंगल पे। इस टाइम इसका रीडिंग आ रहा है 0.279 mm, 0.278 mm, मतलब कि हम लोग का फाइनल रीडिंग आया है 278 माइक्रोन और रेंज इसका एक्चुअल रेंज 200 माइक्रोन से लेकर 400 माइक्रोन तक है। मोटर को हम लोगों ने वापस ग्राउंड पे इसको प्लेस कर दिया धीरे धीरे।